गोरखपुर में रोजाना बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बाद भी जिला अस्पताल प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। आपको बता दें, शनिवार को जिला चिकित्सालय के मेल और फीमेल आर्थो वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ एक बेड पर 5 से 7 लोग देखते नजर आए। एक तरफ जहां अस्पताल प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए ओपीडी में लोगों को कतारबद्ध कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मरीजों को देखा जा रहा है, वहीं अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ इतने लोगों को देखने के बाद अस्पताल प्रशासन के प्रति बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने बताया। इसमें जो है हमारी सिस्टर बड़ा अच्छा कार्य कर रही हैं, साथ में जो हमारे वार्ड बॉय हैं और स्वीपर हैं वो अपने जी जान से लग करके वो सब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके अटेंडेंट को एक मरीज एक अटेंडेंट की पॉलिसी हम लोग लागू करे हुए हैं, जिससे कि एक मरीज के पास एक ही अटेंडेंट रहे, परिजनों की भीड़ ना लगे, साथ में उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और मास्क हमेशा पहने रहने के लिए हिदायत देते रहते हैं। सर, आज देखा गया है मेरा आर्थो वार्ड और मेरा आर्थो वार्ड में एक एक बेड पे एक पेशेंट का 6 से 7 अटेंडेंट एक ही बेड पे बैठे नहीं है, इस पे क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि दोपहर वगैरह में किसी के साथ कोई मिलने वाला आ गया हो और ऐसा नहीं, लेकिन हमारे एक मरीज और एक परिजन का ही पॉलिसी हमारे यहाँ लागू है और उसी को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं।